हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोग को हर बार की तरह थंबनेल के पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो का टॉपिक किस पे है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोग को आज ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया को ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये करता क्या है, ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक पहुँचाता है। आप लोग डेफिनेशन में देख रहे होंगे, कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए सोर्स टू ए डेस्टिनेशन। जी हाँ, एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक पहुंचाता है। बस ट्रांसमिशन मीडिया का एक्चुअली दो पार्ट होता है। जी हाँ, मैं स्लाइड के ऊपर करता हूँ। ट्रांसमिशन मीडिया का दो पार्ट होता है, गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। गाइडेड का भी तीन पार्ट होता है, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। अनगाइडेड का भी तीन पार्ट होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है और इसके टाइप्स को कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है। दोस्तों गाइडेड मीडिया क्या होता है, अगर हम लोग केबल के द्वारा इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो हम लोग गाइडेड मीडिया का यूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन में आप लोग देख सकते हैं, गाइडेड मीडिया ट्रांसमिटेड डेटा और प्रोवाइड कनेक्शन थ्रू ए केबल सिस्टम डेट हैज़ ए फिक्स्ड पाथ। फॉर एग्जाम्पल ट्विस्टेड, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर और बहुत सारे केबल भी और यूज होता है, बट मेनली तीन ही केबल मेनली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम लोग फाइबर ऑप्टिकल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्विस्टेड पेयर क्या होता है। ट्विस्टेड पेयर, ए ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर का मिक्सर, मतलब कि मिश्रण होता है। आप लोग देख सकते हो ये जो दो केबल है, दोनों को हम लोग कंडक्टर कहेंगे। जी हाँ, जो मेनली इसके अंदर कॉपर होते हैं और ऊपर से प्लास्टिक लिपटा हुआ होता है। ये प्लास्टिक कवर है, इसके अंदर में कॉपर का ये तार होता है। जी हाँ, दो तार आप देख सकते हैं, दो तार है मेनली, सब दो 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 करके दो दो के का पेयर करके बना हुआ है। ट्विस्टेड इसलिए नाम है कि दोनों तार एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। जी हाँ, एक्चुअली एक क्या करता है, एक कैरी को रिसीव करता है। वन ऑफ द वायर यूज टू कैरी सिग्नल टू ए रिसीवर, जी हाँ सॉरी, सिग्नल को कैरी करता है। और दूसरा क्या करता है, ग्राउंड रेफरेंस का काम करता है। जी हाँ, दो वायर होते हैं ट्विस्टेड पेयर में, एक क्या करता है सिग्नल को कैरी करता है, दूसरा ग्राउंड रेफरेंस के लिए यूज़ में आता है। अब ट्विस्टेड पेयर का भी दो पार्ट होता है, अनसील्ड जिसे हम लोग यूटीपी कहते हैं और दूसरा सील्ड जिसे हम लोग एसटीपी कहते हैं। यूटीपी और एसटीपी में इतना डिफरेंस है, एसटीपी क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, मेटल फॉयल से कवर्ड होता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एसटीपी जो केबल है वो मेटल फॉयल से कवर्ड होता है, और यूटीपी क्या होते हैं, वो कवर्ड नहीं होते हैं, वो ऐसे सिंपली आता है। हम लोग देखते हैं कि यूटीपी और एसटीपी में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। दोस्तों यूटीपी केबल में क्या होता है, ग्राउंड केबल नेसेसरी नहीं होता है। जी हाँ, यूटीपी ग्राउंड केबल इज नॉट नेसेसरी, एसटीपी में इसका यूज़ होता है, रिक्वायर्ड होता है। डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, यूटीपी का स्लो होता है एज़ कम्पेयर देन एसटीपी, एसटीपी के कंपेरिजन में यूटीपी का डेटा ट्रांसफर रेट स्लो होता है, इसका हाई होता है। आपका जो यूटीपी का जो है आपका लो कॉस्ट का आता है और ये एसटीपी हाई कॉस्ट का आता है। मेंटेनेंस का रिक्वायर्ड उतना ज़्यादा नहीं होता इसमें, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये जो फॉयल जो है वो टूट जाते हैं कभी कभी। हाई नॉइस, यहाँ पे नॉइस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम तो नहीं होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर देन यूटीपी के कंपेरिजन में। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज क्या होता है ट्विस्टेड पेयर का। दोस्तों लेस एक्सपेंसिव, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सस्ती आती है ये तार, ट्विस्टेड पेयर तार। इंटायर नेटवर्क को इफेक्ट नहीं होता अगर कहीं से तार लीक हो गया या टूट जाता है। कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन, जी हाँ ये तो एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिग्नल कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिपीटर्स, हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल का। बहुत ही पतला होता है, थिन होता है तो इजली से टूट जाता है, बहुत जल्दी ही टूट जाता है, ब्रेक बहुत जल्दी से हो जाता है। हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो टेलीफोन नेटवर्क में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जी हाँ, ट्विस्टेड पेयर केबल का। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्विस्टेड के बाद कोएक्सियल केबल में। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये केबल, डिश टीवी सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। कोएक्सियल केबल कैरीज सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी रेंज देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में इसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। कोएक्सियल केबल हैज़ ए सेंट्रल कोर कोड कंडक्टर, ये जो आप देख रहे हो ये सेंट्रल कोर कोड कंडक्टर है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक का लेयर है जी है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों भी कंडक्टर है, ये मेटल फॉयल है, ये मेटल फॉयल है ठीक है, ये ब्रेडेड है। बहुत बार के बहुत जिस तार में क्या होता है, दोनों में से एक होता है या बहुत तार में दोनों भी आप लोग को देखने को मिलेगा। जी हाँ, मैंने आप साफ मेंशन करके भी रखा हुआ है,
देखो, विच इज टर्न इनकेस्ट इन एन आउटर कंडक्टर ऑफ द मेटल फॉयल और ब्रेडेड और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दोनों होगा या दिया दोनों में से एक होगा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर होता है, द होल कवर इज द प्रोटेक्टेड बाय द प्लास्टिक कवर। आप लोग इस तार को अपने, अगर आप लोग घर पे डिश टीवी यूज़ करते हो या डिश कोई भी पर्सनल अपना डिश यूज़ करते हो तो इसी तार का कनेक्शन से किया होता है ये। जी हाँ, ये कोएक्सियल केबल, मैं फिर से बता देता हूँ, कोएक्सियल केबल कैरीज सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी एज़ कम्पेयर, अगर ट्विस्टेड पेयर से कंपेयर करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी रेट ज़्यादा होता है। जी हाँ, एक सेंट्रल कोर कंडक्टर होते हैं ये आप जो यहाँ भी देख रहे होंगे, ये तो ऐसे फिगर है, ये ओरिजिनल फिगर है इसका, ये कोर कंडक्टर, ये तो कॉपर का बना होता है मेनली, उसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर होता है और इसके ऊपर ये जो कवर है, जी हाँ, ये भी कंडक्टर होते हैं, ये आउट, ये सेंट्रल कंडक्टर हो गया, ठीक है, ये आउटर कंडक्टर इसको कह सकते हैं, या तो ये या ये दोनों होगा या दोनों में से एक होगा, और ये जो पूरा तार होता है उसे ब्रेक से बचने के लिए प्लास्टिक कवर्ड में आता है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि दोस्तों, सिग्नल्स कैन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सिग्नल को ट्रैवल किया जा सकता है, कैन बी यूज फॉर बोथ एनालॉग एंड डिजिटल, इन एक्सपेंसिव एज कम्पेयर देन फाइबर ऑप्टिकल, फाइबर ऑप्टिकल केबल के कंपेरिजन में थोड़ा सा सस्ता होता है, इंस्टॉलेशन ईजी होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा लगता नहीं है इसमें। इसकी डिसएडवांटेज भी है, अगर कहीं तार फेल्योर कर जाता है, अगर कहीं तार फेल्योर करता है पूरा एंटायर नेटवर्क फेल कर जाता है, एक्सपेंसिव होते हैं, अगर ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा होता है। जी हाँ, कोएक्सियल केबल, मैं स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, आप लोग यहाँ से राइट भी कर सकते हैं अगर आप लोग को राइट करना हो तो। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, जी हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ होता है, मेनली यूज़ का हम लोग केबल टीवी में करते हैं, लैन कनेक्शन में करते हैं। जी हाँ, अभी भी इसका यूज़ केबल टीवी में आपके घरों में यूज़ होता होगा, अगर आप लोग इसका डायग्राम को देखना चाहते हैं तो केबल टीवी का तार को खोल के देख सकते हैं। थर्ड जो है, जो बहुत ही ज़्यादा यूजेज में आती है, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल है। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल इज मेड ऑफ ग्लास एंड ट्रांसमिट सिग्नल इन ए फॉर्म ऑफ लाइट, आप ध्यान से सुनना। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर केबल इज मेड ऑफ ग्लास, ग्लास का बना हुआ होता है मैनली, एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम ए ट्रांसमिट सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। आप ये देख सकते हो, ये जो इसका कोर है, ये कोर ग्लास का बना हुआ है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का लेयर होता है, प्लास्टिक और ग्लास का लेयर होता है, ये कोर भी आपका ग्लास का बना हुआ होता है। एक्चुअली लाइट क्या होती है दोस्तों, लाइट सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, जी हाँ, बट ये जो ग्लास होते हैं, ग्लास के थ्रू ये लाइट रिफ्लेक्ट करते हुए हम लोग लाइट सिग्नल्स को लाइट के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं इसमें। इट इज़ यूज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए कोर मेड ऑफ ए ग्लास और प्लास्टिक, ये देख सकते हो, ये जो कोर होता है ये ग्लास और प्लास्टिक का बना हुआ होता है, उसके ऊपर जो लेयर होती है क्लैडिंग, ये भी ग्लास की होती है, ये भी ग्लास की बनी होती है या प्लास्टिक की बनी होती है, और ये जो आप देख रहे हैं ये कैलवर, ये स्ट्रेंथ के लिए दिया जाता है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक का जैक होता है, बहुत ही सिंपल है बट इसका वाइडली यूज, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर केबल का अभी के डेट में, क्योंकि डेटा ट्रांसफर रेट बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर जो केबल था उसके कंपेरिजन में। इसका हम लोग एडवांटेज देखते हैं, हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हायर बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, लेस सिग्नल अटेनुएशन, मतलब कि इसका हिंदी मतलब ये होता है सिग्नल का लॉस नहीं होता यहाँ पे। जी हाँ, ट्विस्टेड पेयर में या कोएक्सियल केबल में सिग्नल का लॉस हो सकता था, होता था, यहाँ पे नहीं होता है। इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस को कंट्रोल करता है, जी उन लोगों में नॉइस बहुत ज़्यादा होता था, इसमें नॉइस थोड़ा सा कम होता, थोड़ा क्या बहुत ही कम होते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं रेसिस्टेंस उसको बचाता है टूटने से। जी हाँ, लाइट वेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही लाइट वेट होते हैं। डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है इसका, क्या डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बहुत महंगा है, इंस्टॉलेशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है। यूनिडायरेक्शनल लाइट, मतलब कि लाइट एक ही डायरेक्शन में हम लोग भेज सकते हैं अगर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज़ करते हैं तो, अगर हम लोग को बाई डायरेक्शनल करना है, मतलब कि दोनों डायरेक्शन से हम लोग को सिग्नल्स को भेजना है तो हम लोग दो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का हम लोग को वहाँ पे यूज़ करना होगा। कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये तो इसका डिसएडवांटेज था।
यूजेज की बात करते हैं तो बहुत सारा यूजेज इसका इंटरनेट में यूज़ किया जाता है, केबल टीवी में यूज़ कर सकते हैं, टेलीफोन में यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्किंग में यूज़ कर सकते हैं, सर्जरी में यूज़ किया जाता है, मिलिट्री एंड स्पेस एप्लीकेशन में यूज करते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है, लाइटिंग के लिए यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, यहाँ पे मैं बस गाइडेड मीडिया के बारे में ही बात करूँगा। अनगाइडेड मीडिया मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। इस लाइट मैं वीडियो को थोड़ा सा फिर से रिकैप करता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे राइट भी कर सकते हो अगर आप लोग को राइट करना हो तो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया का दो पार्ट होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड का भी दो तीन पार्ट होता है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। मैंने इस वीडियो में बस इसी तीनों को बताया हुआ है। अनगाइडेड मीडिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।